आप देख रहे हैं न्यूज वॉल इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। ओमिक्रॉन ने चिंता बढ़ा दी है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने दुनिया के अन्य देशों के साथ भारत की भी चिंता बढ़ा दी। इस जानलेवा वेरिएंट को रोकने के लिए भारत सरकार ने दक्षिण अफ्रीका, ब्रिटेन, हांगकांग और बोत्सवाना सहित 12 देशों के नाम जारी किए हैं, जहां से आने वाले हवाई यात्रियों की स्क्रीनिंग अनिवार्य कर दी गई है। इन सभी यात्रियों को भारत सरकार के द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। वहीं दक्षिण अफ्रीका में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने के बाद ब्रिटेन, जर्मनी, सिंगापुर, इजराइल, फ्रांस और इटली ने दक्षिण अफ्रीका के लिए फ्लाइटों पर रोक लगा दी है। बता दें कि दक्षिण अफ्रीका में पाए गए कोविड-19 के नए B.1.1529 म्यूटेंट वेरिएंट का खौफ पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है, जिस पर अब WHO ने भी मुहर लगा दी है। वहीं WHO ने इस बयान के बाद कई देशों में नए सिरे कोरोना वायरस संक्रमण के प्रकोप का खतरा गहरा गया है, ऐसा WHO की तरफ से कहा जा रहा है। तो यात्रियों के लिए स्क्रीनिंग अनिवार्य होगी। कोरोना का जो नया वेरिएंट है वो मिला है ओमिक्रॉन, जिसने चिंता बढ़ा दी है। कई देशों में इस वायरस का जो कहर है वो लगातार देखने के लिए मिल रहा है। देखिए, 2 सालों से दुनिया अभी कोरोना से उभर नहीं पाई थी कि इसके नए नए जो म्यूटेंट है, नए नए के जो वेरिएंट है वो लगातार सामने आ रहे हैं। अब B.1.1529 सामने आया है, जिसकी वजह से जो खौफ है दुनिया में वो लगातार बढ़ रहा है, जिस पर अब WHO ने भी मुहर लगा दी है। WHO के इस बयान के बाद कई देशों में नए सिरे कोरोना वायरस संक्रमण के प्रकोप का खतरा गहराता हुआ नजर आ रहा है। तो इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं और कई देशों ने जो फ्लाइटें हैं वो भी रद्द कर दी हैं। अगर भारत की बात की जाए तो भारत ने भी ऐसा किया है कि जो भी यात्री यहां से आ रहे हैं उनकी स्क्रीनिंग जो है वो जरूरी है और इन सभी यात्रियों को भारत सरकार के द्वारा जारी दिशा निर्देशों का भी पालन किया जाएगा। तो तमाम जो देश हैं वो अब इसको लेकर लगातार कोशिश कर रहे हैं कि संक्रमण जो है वो ज्यादा न फैले। तो चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर ये कितना खतरनाक हो सकता है। तो खतरनाक साबित हो सकता है ओमिक्रॉन, तेजी से फैलने वाला नया वेरिएंट है। जिस तरह से कोरोना के नए वेरिएंट फैले, वैसे ये नया जो वेरिएंट आया है वो भी फैल सकता है। दोनों टीका लगा चुके लोगों में भी वेरिएंट का असर दिख रहा है। अन्य वेरिएंट की तुलना में ये तेजी के साथ फैलता है, ज्यादा ट्रांसमिसिबल है और ये जो नया वेरिएंट है ये और ज्यादा खतरनाक है। इम्यूनिटी को तेजी से मात देने वाला है ये वेरिएंट, अन्य वेरिएंट से ज्यादा खतरनाक ओमिक्रॉन। वैक्सीन की खुराक के अलावा बूस्ट